नाज़रीन, जैसे मैंने बताया था कि हम लोग इस्लामाबाद आए हैं और हमने इस्लामाबाद में मुख्तलिफ शख्सियात का इंटरव्यू लिया, तो आज नहायत डायनमिक शख्सियत हमारे साथ हैं और इनको इंग्लैंड में कौन नहीं जानता, पूरे यूरोप और इंग्लैंड में, ज़ुल्फ़ी बुखारी। अस्सलाम वालेकुम ज़ुल्फ़ी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, थैंक यू ज़ुल्फ़ी। मैंने आपसे ये पूछना था कि हम लोग ओवरसीज पाकिस्तानी, बड़ा भरोसा है आप पे कि आप हमारे लिए बहुत कुछ करेंगे, और जितनी तकलीफें हैं वो जिस तरह आपको पता है कि ओवरसीज की जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप सॉल्व करेंगे, तो आप हाउ इज योर मिनिस्ट्री गोइंग, लाइक आप समझ रहे हैं कि वाकई बहुत से लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं और फिलहाल, या जस्ट सेटलिंग डाउन अभी आप? नहीं, वी हैव सेटल डाउन, लेकिन पहले कई महीने सिस्टम को सीखना था जी, तो वो थोड़ा सा टाइम लगा था, जिस तरीके से पब्लिक सेक्टर में, क्योंकि मैं प्राइवेट सेक्टर का बंदा हूँ जी, तो पब्लिक सेक्टर के जो नो हाउस हैं उनको सीखना है, तो उसमें हमने किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सेटल डाउन भी हो गई है काफ़ी। मिनिस्ट्री सारे जो सेक्रेटरी साहब जो हैं, डीजी साहब हैं, एमडी साहब हैं, डिपार्टमेंट्स के अभी ये सारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इस हुकूमत में जिस तरीके से काम हो रहा है ओवरसीज में पहले कभी हुआ ही नहीं जी, क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा। मैंने सुना था आपकी, आई थिंक कोई इंटरव्यू था, उसमें आपने कहा था कि आपने इजाज़त दी है वीज़ा के लिए, कोई आपने ओपन कर दिया है सेक्टर कोई जी, और दैट वो तो पाकिस्तान ने, मतलब इंटीरियर में स्पेशली बहुत मेहनत की है शरियार अफरीदी साहब ने, डीएम की सुपरविजन में, बाकी इदारे भी उसके अंदर इन्वॉल्व थे। हमारे लिए, मेरे लिए बहुत सहूलत है कि बाकी मुल्कों को ऑन अराइवल वीज़ा मिले या ऑनलाइन वीज़ा मिले जी, क्योंकि वो आपको पता है कि बाहर सबसे ज़्यादा जो कंप्लेंट्स आती थी वो यही थी जब उनका इंटरेक्शन एम्बेसी के साथ होता था जी, तो उनको मायूसी शायद सबसे ज़्यादा था, तो इस ऑनलाइन वीज़ा या वीज़ा ऑन अराइवल से ये होता है कि आपके एम्बेसी का इंटरेक्शन कम हो जाता है। बिल्कुल, ऑफ कोर्स। अच्छा, तो अगर वो तो खैर बिल्कुल सही है, लेकिन जो तकलीफें ओवरसीज पाकिस्तानियों को हैं, ख़ास तौर पे प्रॉपर्टीज़ वगैरह यहाँ पर जो हैं, उसका बहुत होता है कि लोग कर लेते हैं, कब्जे कर लेते हैं, तो उस लिहाज से बहुत से लोगों ने मुझे कहा था कि जब आप वहाँ पे जाएं तो ओवरसीज़ डिपार्टमेंट में ज़ुल्फ़ी से ज़रूर पूछिएगा, ज़ुल्फ़ी बुखारी, कि भाई वो लोगों के लिए कोई लाइक दे बी लाइक वेरी हैप्पी कि भाई हमारा बंदा पहुंच गया और हमें फ़ायदा होगा। देखिए, जहाँ तक लैंड डिस्प्यूट्स और कब्ज़े की बात होती है, मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ आपसे कि सबसे ज़्यादा जो मसले हैं वो है लैंड डिस्प्यूट्स के, जो ओवरसीज़ को जी, और मैं आपके शो पे माजरत भी करता हूँ लोगों के कि जिनके मसले मैं नहीं अब तक हल कर सका, लेकिन पाकिस्तान भरा हुआ है इन ओवरसीज़ के मसलों से। अच्छा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि जितना काम हुआ है उस पर, जितने कब्जे में ट्राए हैं, जितने लोगों की हम कंप्लेंट सुन रहे हैं, ओवरसीज़ को भी समझना चाहिए कि मैं एक हूँ, कंप्लेंट्स कुछ बहुत ज़्यादा हैं और कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज होते हैं, क्योंकि अपनी फैमिली इन्वॉल्व होती है, दूसरे डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, दूसरे मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व होती हैं, तो वो तरीका लगता है। लेकिन इस पर ये एक अच्छी खुशखबरी कि हम लॉ मिनिस्ट्री के साथ मिलके हम अभी काम कर रहे हैं लेजिस्लेशन पास करने के लिए, या एक फास्ट ट्रैक कोर्स ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए, जो लैंड डिस्प्यूट्स पर्टिकुलरली ओवरसीज पाकिस्तानी से रहे उनके लिए, अच्छा सिर्फ वही डिपार्टमेंट, हाँ, लेकिन एक फास्ट ट्रैक कोर्ट होगा, तो आपको ये जो लंबा जो लैंड डिस्प्यूट चलते हैं सालों के साथ वो खत्म हो जाएंगे, ये इंशाल्लाह 3 महीने के अंदर अंदर हमारे केस सुन के सॉल्व करके आगे चलेंगे। अच्छा, इंशाल्लाह। और हमारे जो बाहर के मुल्क के लोग हैं उनके लिए वोटिंग का तो कह दिया है कि वोट दे सकते हैं, लेकिन वो कहते हैं वोट का क्या करेंगे, हमें क्या है कि अगर मियां वाली में कोई खड़ा है तो हम उसको वोट दें और जिताएं, मतलब ओवरसीज को क्या फ़ायदा, या इस्लामाबाद में कोई खड़ा है और उसको जिता रहे हैं। मेन ये है कि अगर ओवरसीज को आप नुमाइंदगी दें, क्योंकि नेचुरली नाउ यू आर एम्पावर्ड, तो आप समझते हैं कि ये मुमकिन हो सकता है या लेजिस्लेशन इजाज़त नहीं देती? लेकिन जहाँ तक वोट की बात है, पहली चीज़ तो ये कि जहाँ मैं, मेरी मीटिंग भी है अभी, हमने फाइल भी की है इलेक्शन कमीशन के साथ कि जब वोट ओवरसीज पाकिस्तानी देता है तो सिर्फ वो शर्त ये थी कि उसके पास पासपोर्ट भी हो और ना, और शनाख्ती कार्ड भी हो, या नाइकॉप भी हो और पासपोर्ट भी हो। अच्छा। तो जिसके पास नाइकॉप होता है उसके पास अमूमन तौर पर पासपोर्ट नहीं होता। अच्छा। तो इसलिए इनमें से यू शुड हैव एक सिर्फ होना चाहिए। अच्छा, या दो, पासपोर्ट, मैंने तो यही लिखा है उनको,
कि ये अगले इलेक्शन से पहले खत्म करें, या आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए या आपके पास नैकॉप होना चाहिए, दोनों ना नहीं होने चाहिए क्योंकि दोनों के लोगों के पास फायदा नहीं है। तो अगर आपके पास नैकॉप हो तो दैट्स वो काफी है कि प्रूफ करने के लिए आप पाकिस्तानी। और जहां तक बात यह कि वोट करने के लिए उनका क्या फायदा, वोट करना है आपका एक हक है। आप अपनी जब आप वोट करते हैं आप अपने मुल्क के अंदर अपनी इक्विटी डालते हैं उसके अंदर, मतलब आप अपना राइट डालते हैं कि मुल्क किस तरह जा रहा होते, तो ये आप लोगों का हक है। लेकिन उसके साथ ही मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ कि ओवरसीज पाकिस्तानी की रिप्रेजेंटेशन मैं समझता हूँ पार्लियामेंट में भी होनी चाहिए। ये नेचुरली अभी तो इजाज़त नहीं है लेकिन इंशाल्लाह 5 सालों में हम पूरी मेहनत करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि हम उनको कोशिश करें कि उनको ओवरसीज रिप्रेजेंटेशन। बिल्कुल। अच्छा, ये तो इंग्लैंड और यूके और अपना यूरोप का हो गया। सऊदी अरब में हमारे बहुत सारे लोग हैं और उनको बड़ी मुश्किलात हुई हैं, तो उनके लिए आपकी मिनिस्ट्री क्या कर रही है? हमारे आई थिंक जो खान साहब का जो जेस्चर था कि उनको जितने हमारे हैं प्रिजनर्स उनको रिलीज करना, रॉयल क्राउन प्रिंस ने बड़ा अच्छा एक जेस्चर शो किया था कि उनको जहाँ तक और मुश्किल हैं, मेरा इस हफ्ते एक्चुअली ट्रिप था सऊदी, वो भी जस्ट पोस्टपोन हो गए, तो वो हैं लेबर कैंप्स में मसले हैं, हमारे मसले आ जाते हैं। लेकिन मसले क्या हैं, प्रिजन के वो हल हो गए तकरीबन, कई केसेस रहते हैं जो नहीं होंगे, ये आहिस्ता आहिस्ता लोग छूट रहे हैं। दूसरे जो होते हैं वो लेबर कैंप्स के सब स्टैंडर्ड के लेबर कैंप्स, ये चीजें होती हैं। उसको मैं विजिट भी कर रहा हूँ और रेज भी करूंगा कि मैंने यूएई में पहली दफा एक ओवरसीज मिनिस्टर ने जाके लेबर कैंप्स जाकर देखा। मैं खुद पर्सनली उनके किचन में, बाथरूम में, उनके घरों में, उनके रूम्स में गया हूँ हर चीज, और उनको फिर उनके खाने का फिर उनसे बात की। तो भाई साहब किस तरह आपको फील हुआ, वाज इट लाइक यूएई शायद बाकी मुल्कों से बेहतर हो? अच्छा, आई थिंक जो तंग हालात जो आप बात कर रही हैं वो ज़्यादातर सऊदी में, अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तानियों के लिए, तो उनको भी अपने लेबर कैंप्स इम्प्रूव करने चाहिए और हम पूरा जोर इस पर डालेंगे। और फिर उनका मसला आ जाता है कि वो कफील हो जाते हैं, काम करते हैं कंपनी से, कंपनी बैंकक्रप्ट हो जाती है, उनको वेज नहीं मिलता, वैसे ही सऊदी में इकोनॉमिकली थोड़ा सा टफ सिचुएशन है उनकी। तो इनको हमने जो होता है कि इनको एड्रेस करना, इनको ओनरशिप देनी है। और होता ये है कि यूजली उनके लिए कोई बोलने वाला नहीं था, आवाज नहीं थी, तो दूसरा मुल्क भी जो भी मुल्क हो वो फायदा उठाता है क्योंकि उनको पता होता है कि तो वैसे ही आवाज नहीं है। लेकिन इसलिए हम दिखाना चाह रहे हैं कि नहीं है, अब है। और नाज़रीन बिल्कुल सही कहा बुखारी साहब ने, क्योंकि वाकई हमारे ओवरसीज के लोगों पे पहले इतना नहीं सुना जाता था, क्योंकि जब से इन्होंने मिनिस्ट्री संभाली है, इनको ये मिली है, तो बहुत ज्यादा अवेयरनेस आई है। या तो आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि यू नो एवरीबॉडी लाइक कम टू नो कि समथिंग इज हैपनिंग, कुछ हो रहा है मुल्क में, कुछ हो रहा है। बिल्कुल ज्यादा सही कहा, इट वॉज अब बहुत ज्यादा है, क्योंकि अब हर एक को इस बात का एहसास है कि एक यंग वाइब्रेंट बंदा जो है वो इस मिनिस्ट्री में आ गया है और वो काम कर रहा है, क्योंकि कई लोग आते भी हैं बट वो काम इतना नहीं दिखाते हैं। अब जिस तरह हम ये जो वीजे की फीसें कम करने का है वो भी पूछना था आपसे कि उम्रा और हज वगैरह का, तो उसमें भी आप इन्वॉल्व होते हैं कि वो किस तरह, मतलब अगर पैकेजेस अच्छे मिले यहाँ के लोगों को? वो तो वो मिनिस्ट्री ऑफ, अच्छा वो डिफरेंट हो जाती है, लेकिन ओवरऑल हम हमेशा दरख्वास्त करते हैं सऊदी को कि उम्रा हज की कोटा, मतलब कोटा भी ज्यादा दें और फीस भी कम रखें कि लोगों को, मतलब अल्लाह के पास जाना जाना बड़ा वो है। लेकिन इसमें वो मेरी मिनिस्ट्री के असर नीचे नहीं आता। अच्छा, लेकिन ये कि होलिस्टिक व्यू प्लान हमने अभी ECC में 2 हफ्ते पहले हमने एक टास्क फोर्स बनाई है, मुझे कॉल करनी कि वो बनाए, और मैं खुद चेयर कर रहा हूँ उसके अंदर। हमने फॉरेन ऑफिस भी डाला हुआ है उसके अंदर, हमने इंटीरियर भी डाला हुआ है, नादरा भी डाला हुआ है, टेफ्टा भी डाला हुआ है, नाफ्टा भी डाला हुआ है। तो वो इसका मतलब है कि हम एक ओवरऑल प्लान, एक पूरा प्लान ओवरसीज के लिए कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मैं सिर्फ अपनी मिनिस्ट्री पर फोकस करूँ तो फिर वो मेरा हर काम लिमिटेड होता है, क्योंकि हर काम इंटीरियर के साथ लिंक्ड होता है, या ओवरसीज के साथ, या सॉरी फॉरेन ऑफिस के साथ लिंक्ड होता है, या एजुकेशन मिनिस्ट्री के साथ लिंक्ड होता है, या रिलीजियस अफेयर्स के साथ लिंक्ड होता है। तो इसलिए ये टास्क फोर्स हमने, बहुत अच्छा आइडिया है, क्योंकि नेचुरली वो हर एक अलग अलग डिपार्टमेंट में तो जा नहीं सकता, तो नेचुरली आपके पास आएगा।
अभी हालिया आपका पता चला है कि आप टूरिज्म पे भी आपका डिपार्टमेंट जो है वो जा रहा है। पाकिस्तान में टूरिज्म बहुत बहुत हसीन जगह हैं, बहुत कुछ है, लेकिन ये अभी तक दुनिया में नहीं एक्सप्लोर हुआ। और अगर हुआ भी है तो टेररिज्म जो है वो एक बहुत अहमियत रखता है। लोग समझते हैं कि हम जाएंगे तो जानों को खतरा होगा, तो हमारे नाज़रीन को आप बताएं कि आप टूरिज्म को किस तरह लेकर आएंगे। कि ये एक बहुत हमारी बदकिस्मती है कि एक बहुत बड़ा बुरा इम्प्रेशन गया है बाहर लोगों को कि टेररिज्म या पाकिस्तान आना सेफ है या नहीं। मैं क्योंकि मैं पूरी दुनिया घूमा हूँ, इस्लामाबाद पाकिस्तान बड़ा सेफ है। अगर आप स्टैट्स भी निकाल के देखें, फैक्ट्स निकाल के देखें इंटरनेट से, आपको नज़र आएगा कि मैक्सिको ज़्यादा अनसेफ है। लेकिन मैक्सिको की टूरिज़म हमसे की आगे, यहाँ तो ऐसी होती नहीं। और अगर आप स्टैट्स निकाल के देखें टूरिस्ट को तो कभी कोई इफेक्ट ही नहीं हुआ, मतलब बहुत कम लो परसेंटेज है। तो ये मार्केटिंग ब्रांडिंग अपनी पाकिस्तान की इमेज बिल्डिंग, लेकिन जैसे आपने बोला कि जितना खूबसूरत पाकिस्तान है, मतलब जिस किस्म की हमारे पास फॉरेस्ट्री से लेके माउंटेनियरिंग से लेके बीचेस तक स्कीइंग तक, मतलब एक बहुत डाइवर्स पाकिस्तान में, और ऐसी ब्यूटी तो उसके हमें एक अनटैप्ड मार्केट है। अब बाकी मुल्क कुछ जीडीपी अपना वो उनका 10% जीडीपी तकरीबन टूरिज्म से आता है, पाकिस्तान का मुश्किल से 2% आ रहा है। दो भी मैं कहती हूँ उससे भी कम होगा, क्योंकि पाकिस्तान बिल्कुल टूरिज्म की तरफ ना जा रहा था पहले कभी, गया या तो पुरानी हुकूमतों ने इतना इम्पोर्टेंस नहीं दी इस बात को, या फिर ये कि उनके लोग कैपेबल नहीं थे इसको बताने के लिए। अब हम पूरी इस पे फोकस कर रहे हैं जी। और टूरिज्म का सबसे ज़्यादा है कि यहाँ पे अगर आप कोई ऐसी मार्केटिंग करें जो बाहर के मुल्कों में हो, तो आपके पास तो बजट भी होना चाहिए ना इस चीज़ के लिए, क्योंकि उसके बगैर तो आप नहीं कर सकते। और पाकिस्तान इस वक्त ऐसी उससे गुजर रहा है कि मुश्किल है कि आप इस तरह कर सकें, तो हाउ यू विल डू दैट लाइक। Well, we are working on a budget now. हमारी पहली मीटिंग टूरिज्म की फ्राइडे को हुई थी, तो अब हम उस पर एक बजट बना रहे हैं कि वर्ल्ड मार्केटिंग हमें कितने की लगेगी। इतना महंगा नहीं होता अगर आप सेंसिटिव करें। दूसरी चीज़ ये कि हमारे पास बहुत से बार की ऑर्गेनाइजेशन हैं, डोनर फाउंडेशन हैं, जो उसमें मदद भी आपकी कर सकते हैं। मसला ये था कि हम अलग 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 डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे थे, क्यूमुलेटिव एफर्ट नहीं हो रही थी, साइलोज में काम कर रहे थे। हम ये चाहते हैं, इस बोर्ड का मकसद ये है कि सबकी कोऑर्डिनेशन और अलग-अलग काम ना करें, पूरा प्लान बना करें। उसमें वर्ल्ड डोनर्स भी इन्वॉल्व हों, ऑर्गेनाइजेशन भी इन्वॉल्व हों, जहाँ वो हमें दे सकते हैं कोई अलाउंसेस दे सकते हैं, या लेकिन स्पॉन्सरशिप ये वो, तो ये सारी चीज़ें हम वर्कआउट करके बजट बना के हम करेंगे और पैसे फुल फ्रेश स्केल पर करेंगे। अच्छा, ये बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल आपने कहा कि उसको एकदम से बिल्कुल ऐसे होना चाहिए कि लोग वाकई कहें कि पाकिस्तान खूबसूरत है। क्योंकि मैंने कुछ अर्से पहले, हमारे फ्रेंड्स गए थे इंग्लैंड से और वो इंग्लिश लोग थे, और उन्होंने जब तस्वीरें भेजी तो ऐसे लगा जैसे स्विट्जरलैंड में वो हैं। तो बहुत ज़्यादा स्विट्जरलैंड में तो हाइट्स, मैं तो गया हूँ कितनी दफ़ा स्कीइंग, हाइट्स ही कुछ 3,500 तक जाती है। यहाँ आप एक माउंटेन रेंज पे जाएं, माउंटेन की कुछ 7,000 फीट की हाइट है, और आपको ऐसे 20 माउंटेन्स मिल जाते हैं, पहाड़ मिल जाते हैं ऐसे। यहाँ तो बिल्कुल एक्सेप्शनल ब्यूटी है। बिल्कुल, तो आई एम सो हैप्पी कि यू नो लाइक यू आर डूइंग समथिंग, और आप अपनी मिनिस्ट्री में जो है वो कुछ करके दिखा रहे हैं। एक्चुअली एक और बात पूछनी थी कि खाली साहब के बहुत इंग्लैंड में मशहूर है कि जी आज रहेंगे नहीं रहेंगे, वो उनके पे वो यूं हो रहा है, पता नहीं वो लोग पीछे पड़े हुए हैं कि कैसे वो इंग्लैंड का बंदा उधर जाके काम करे। तो जरा हमारे नाज़रीन को सेटिस्फाई कर दें कि आप यहाँ पर हैं और आप काम कर रहे हैं। मैं बिल्कुल यहीं पे हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा। हाँ जी, आप सही कह रही हैं, मेरे पे बहुत रेजिस्टेंस थी जी, और लेकिन मैं तो फख्र महसूस करता हूँ कि रेजिस्टेंस तभी आती है जब कोई इनसिक्योर हो जी। तो मैं तो समझता हूँ कि मैंने पूरे सारे ओवरसीज के लिए जितना मतलब रेजिस्टेंस मुझे दिखाई गई थी, तो मैंने जब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने केस भी अपना जीता नेशनल का, तो मैंने सिर्फ अपने लिए नहीं जीता, वो मैंने सारे ओवरसीज जीता। मैं टेस्ट पायलट केस था, अगर मुझे अगर मैं हार जाता वो केस, तो आज कोई ओवरसीज ना, मैं समझता हूँ कि कोई पोजिशन भी नहीं आता।
बिल्कुल, लेकिन मैं केस जीता हूँ उसमें से, फिर खान साहब ने उसके बाद लॉ मिनिस्ट्री को ऑर्डर किया कि और भी पोजीशंस देखें जहाँ ओवरसीज आ सकते हैं। अब हमने ZTLB का प्रेसिडेंट भी ओवरसीज का चुना है, और भी काबिल लोग जो अपनी फील्ड्स में बायर ने एक्सेल किया हो, बहुत जबरदस्त तरीके से अपने रिस्पेक्टेड डिपार्टमेंट्स में अच्छा किया हो, तो उनको हम अभी इन्वॉल्व कर रहे हैं, इंक्लूसिव कर रहे हैं उनको सोसाइटी में। तो जो उसका इनिशियल जो रेजिस्टेंस और हिकअप था वो मेरे पे, लेकिन अल्लाह का अपना एक निज़ाम होता है, और शुक्र है कि मैं वो जीत के, मैं समझता हूँ कोई एक मुझे भी और मजबूत किए, लेकिन औरों के लिए भी दिखाया कि रास्ता खुल गया और कि हम यहीं हैं। और ओवरसीज पाकिस्तानी सिर्फ रेमिटेंसेस के लिए नहीं, जो हमारी ब्रेन ड्रेन हुई थी और ब्रेन ड्रेन गेन का मतलब। बिल्कुल, और बहुत सारे खैर सब टैलेंटेड लोग हैं यहाँ पर, तो जो ओवरसीज में बहुत टैलेंटेड है सबसे ज्यादा, तो अगर आपकी मिनिस्ट्री वाकई उनको फिल्टर आउट करती है और यूज करती है तो व्हाई नॉट। हमारा एक पोर्टल है नया पाकिस्तान कॉलिंग, अच्छा, उस पे आप अपना CV डाउनलोड कर सकते हैं, अच्छा, वो पब्लिक सेक्टर भी दे सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर भी दे, अच्छा, तो उस सेक्टर पे जाके वो देखते हैं कि उनको कौन कौन चाहिए, कौन इसको हायर करना है, ये वो, तो अच्छा, वो क्या है प्रोवाइड कर सकते हैं। अच्छा, तो नाज़रीन आपने सुना कि जुल्फी बुखारी ने कहा कि यहाँ पर एक पोर्टल इन्होंने बनाया है और वो ओवरसीज अपनी CV अपलोड कर सकते हैं और यहाँ पर उनको बेहतरीन जॉब मिल सकती है, क्योंकि नेचुरली वहाँ आपको पता है वहाँ ज्यादा कमाई होती है, तो उनको आने को इंसेंटिव्स भी होने चाहिए, तो बिल्कुल होने चाहिए। मैं चाहूंगी कि आप हमारे नाज़रीन को कोई पैगाम दें जो हमारे इंग्लैंड में बच्चे में वो आपको बड़ा मिस करते हैं, वैसे आपस की बात है, हमने वहाँ पे आपको इतना देखा, इतने मुख्तलिफ जगहों पे, यू नो, मीटिंग्स एंड ऑल दैट, तो वहाँ पे वाकई वी ऑल आर मिसिंग यू एक्चुअली, तो हम क्या करें, हम मिस क्यों कर रहे हैं आपको इतना। मैं बस ये कहता हूँ कि जो आप लोग हैं, जितना प्यार जितना इज्जत आप लोगों ने मुझे दिए, मतलब आज जहाँ मैं हूँ ये आप लोगों की वजह से, और मैं समझता हूँ कि जहाँ हुकूमत है वो ख़ास तौर पे ओवरसीज पाकिस्तानियों की वजह से, क्योंकि आप लोग वो पहले बंदे थे कि खान साहब जब इलेक्शन में पॉलिटिक्स में जब आए थे, सबसे पहले आप लोग खड़े हुए थे उनके साथ, चाहे उनका नमल कॉलेज हो, चाहे शौकत खानम हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, सबसे पहले और आखिर तक ओवरसीज ने खान साहब का साथ दिया। जब सब लोग पहले हंसते थे कि ये पॉलिटिशियन नहीं बन सकते या कामयाब नहीं होंगे, एक वायद एक ओवरसीज पाकिस्तानी थे जिनने खान साहब से, तो ये हुकूमत आप लोगों की मशहूर है और आप लोगों की वजह से है, तो हम आपको कभी नहीं भूलेंगे, आप लोग हमारे साथ इस अगले 5 साल में बड़े एक मुश्किल 5 साल होंगे कई लिहाज से, लेकिन एक लिहाज से बहुत अच्छा होगा कि आपकी आंखों के सामने एक हिस्ट्री में मेकिंग होगी, आप पाकिस्तान को बदलता देखेंगे, तो हम पे उम्मीद रखें कभी साथ ना छोड़ें। बिल्कुल, और ये भी कहते हैं लोग जो ओवरसीज़ों कहते हैं बड़ा स्लो प्रोसेस है, बड़ा स्लोली आगे बढ़ रहा है पाकिस्तान, वो तब्दीली नहीं आई जो इमरान खान ने कहा था कि तब्दीली आएगी, नया पाकिस्तान बनेगा, तो ये इतनी हल्के हल्के क्यों प्रोग्रेस हो रही है? मैं नहीं समझता कि हल्की प्रोग्रेस हो रही है, मैं समझता हूँ कि शायद हमने कई चीज़ें हाईलाइट इतनी नहीं की जितनी हमने करनी चाहिए थी, अच्छा। और कोई गवर्नमेंट होती तो वो ज़्यादा हाईलाइट करती जी, लेकिन ये है कि एक सिस्टम है, 30 साल 40 साल का एक सिस्टम एम्बेडेड है जी, उसको चेंज करना, उसकी मेंटालिटी, जो बंदा 6 घंटे एक सिर्फ दिन में काम करता हो या 4 घंटे, उसको कहना कि 10-12 घंटे दिन में काम कर, ये प्रोसेस होगा जी, मुल्क आदि नहीं है इस किस्म का, लेकिन फिर भी जितनी चेंज आई है, हाँ चेंज ये नहीं आई कि दुबई नहीं बन गया, लेकिन चेंज ये आई है कि आप देख रहे हैं कि वर्क एथिक्स बिल्कुल बदली नहीं, लोगों को एक शहूर है कि ये सही है ये गलत है, ये करप्ट है ये नहीं है, कोई चीज़ करप्ट होती है रिपोर्ट करते हैं, मीडिया उठाती है, हम उठाते हैं, मतलब आप पाकिस्तान में कब था कि सारे रिलीजन्स आपके अपने रिलीजन उस तरीके से प्रैक्टिस करते थे जिस तरीके से अभी हुआ, ये सबसे बड़ा चेंज था। और आसिया बीबी वाला केस था, कौन सी गवर्नमेंट उनको ऐसे अच्छी सुप्रीम कोर्ट ने किया था, लेकिन जो उनको ऑब्वियसली उनको भरोसा था गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट उनके डिसीजन को बैक करेगी और उन्होंने किया उनको बैक, ये कहाँ होता था पहले जी, पहले उससे कम हम बिल्कुल लेट जाते थे कि नहीं ठीक है आप जैसे करें, तो ये सारी जो चीजें, ये इंसाफ, ये आदल है, मतलब कि यही अदालत होती है, तो ये जो जस्टिस खान साहब लेके आए हैं सब तबके के लिए, चाहे अमीर हो गरीब हो, स्पेशली गरीब, और चाहे जिस मजहब का हो, ये सबसे बड़ा चेंज, ये तो अंदर का चेंज है ना, सबसे पहले ये आता है, फिर कौम में शोर आता है कि जी हम अब उस पाकिस्तान में रह रहे हैं जहाँ
आपके फ्लैग में ग्रीन भी है वाइट भी है और उसके बाद फिर आपके स्ट्रक्चर चेंजेस आते हैं। तो अभी तो 6 महीने भी नहीं पूरे हमारे, तो मैं समझता हूँ इतने इतने कम टाइम में जितना हमने अचीव किया हो, आप बेशक एक प्रोग्राम करें, मैं प्रिपेयर आऊँगा, आपको पूरा बताऊँगा कि हमने सारे पूरे गवर्नमेंट ने क्या क्या किया। मैं समझता हूँ 6 महीने में ऐसे किसी हुकूमत ने कभी नहीं। तो सूफी साहब, जब आप इंग्लैंड आएंगे दोबारा तो आप मेरे शो पे जरूर आकर बताइएगा, पूरा आपको हम एक शो पूरा आपके नाम होगा, ताकि हमारे, बाकी आप सही कह रहे हैं क्योंकि इतनी प्रोजेक्शन नहीं हो रही, जितना नेगेटिविटी इतनी आ रही है, जिस लोग काम हो रहा है वो जी लाहौर में देखे हैं कुछ भी नहीं है, वो तो बिल्कुल पंजाब वैसे का वैसे बैठा है, फना है, मतलब यू नो लाइक दोज पीपल आर मोर वोकल देन व्हाट यू गाइस हैव टू बी, बट यू हैव टू एक्सपेक्ट देम टू बी मोर वोकल बिकॉज़ वन, हमारी ऑपोजिशन कोई एक पार्टी या एक आधी पार्टी नहीं है, हमारी ऑपोजिशन दो ऐसी पार्टी है जो पिछले 50 साल से ज्यादा पाकिस्तान में हुकूमत करते आए और वो मिल के ऑपोजिशन कर रहे हैं। तो अगर वो मतलब ऑब्वियसली एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन है तो जाहिर है, और उनको सिस्टम भी पता है, इनके लोग भी हर सिस्टम में घुसते हैं, तो जाहिर ही बात है कि वो इतना होगा। तो अगर अभी नहीं होगा तो कब होगा, मतलब वो ऑपोजिशन करेंगे, उसके बावजूद भी हम अगर ऐसे अवार्ड विनिंग स्टांसेस हम ले रहे हैं, चीजें हो रही हैं, गरीब की आवाज उठ रही है हर चीज में, अगर उसके बावजूद भी ये सब कुछ हो रहा है तो आप सोचें कि हम बाकी कितना काम कर रहे हैं। बेशक इसमें तो कोई वो नहीं है, क्योंकि मैंने नईम हुलक साहब के भी ऑफिस में बैठ के देखा है, ही इज कॉन्स्टेंटली बिजी बिजी, और फिर वो जाते हैं ऊपर, मैंने कहा ये ऊपर क्या है, ऊपर क्या होता है, ऊपर जा रहे हैं तो पता चला ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब बैठते हैं और वो कंटिन्यूस मीटिंग्स में होते हैं, क्योंकि नेचुरली वो कभी इस मीटिंग कभी उस मीटिंग। तो वाकई नाज़रीन आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में जितने ये मिनिस्टर्स हैं ये एम ही नहीं घूम फिर रहे अपनी झंडे वाली कारों में, ये बकायदा काम कर रहे हैं, और वो काम मैं विटनेस करती हूँ क्योंकि मैंने काफी वक्त गुजारा है इन ऑफिस में, और वाकई दे आर वेरी बिजी एंड विच इज रियली गुड फॉर पाकिस्तान, आई मस्ट से दैट। और आप बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आपने मुझे टाइम दिया, और इंशाल्लाह हम जब आप इंग्लैंड आएंगे तो आपको तकलीफ देंगे कि आपके साथ दोबारा बैठक करें। बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन हम लेते हैं इजाजत अपने बहुत ही प्यारे ज़ुल्फ़ी बुखारी से, और आपसे हम कहते हैं कि एक छोटा सा वक्फा लेते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, आपने इस वक्त देखा होगा ज़ुल्फ़ी बुखारी को, जो कि बता रहे थे कि ओवरसीज़ स्पेशल असिस्टेंट हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान ख़ान के, और वो बता रहे थे कि क्या क्या उन्होंने काम किए, और आगे की भी बातें बहुत सारी की उन्होंने, लेकिन हम उनका एक और तफसीलन इंटरव्यू लेंगे। उन्होंने कहा था मैं जल्द आ रहा हूँ लंदन और वहाँ पर आकर आपको बताऊँगा, क्योंकि फैक्ट्स एंड फिगर्स उस वक्त उनके पास नहीं थे, तो वो कह रहे थे कि मैं आराम से एक एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगा कि वो उनकी जो मिनिस्ट्री है वो क्या कर रही है। और अभी हाल ही में उनको टूरिज़्म का भी मिला है नाज़रीन, और टूरिज़्म डिपार्टमेंट जो है वो बजाते ख़ुद एक बहुत ही लंबा चौड़ा है, और पाकिस्तान में अगर आप नॉर्थ की तरफ गए हों तो आप हैरान हो जाएंगे कि क्या स्विट्ज़रलैंड, तो क्या दूसरे मुल्क जो खूबसूरत कहलाए जाते हैं, हमारा पाकिस्तान कितना खूबसूरत है। मेरी पाकिस्तान में कोई लंबी चौड़ी इतनी मुलाकातें हुई मुख्तलिफ लोगों से, एक तो एंटरटेनमेंट के हवाले से बहुत से लोगों के साथ हुई, और दूसरा सियासी लोगों के साथ हुई, और जो इस्लामाबाद में नाज़रीन सियासत है, और मैं साथ ये भी बताती चलूं कि अभी मैं लाइव हूं, और अगर आप चाहें तो हमें कॉल कर सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि आपको हमारे जितने इंटरव्यूज़ थे वो कैसे लगे, और आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान किस राह पर जा रहा है, और पाकिस्तान को अभी तरक्की के लिए क्या कुछ करना है। नई हुकूमत तो आ गई है और नई हुकूमत कहती है कि नया पाकिस्तान बन रहा है, लेकिन इस नए पाकिस्तान में कितना अभी और दमखम होगा। तो खैर हम नाज़रीन बातें करते रहेंगे आपसे इस बारे में भी कि पाकिस्तान में क्या हालात हैं। मैं टूरिज़्म की बात कर रही थी कि पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है, और अगर किसी का इत्तेफाक हुआ है नॉर्दर्न एरिया में जाने का तो आप यकीनन कहेंगे कि ये नॉर्दर्न एरियाज़ अगर हमारे टूरिज़्म के लिए खुल जाएं और टूरिस्ट वहाँ आने लग जाएं तो हम लोग भी, जिस तरह इंग्लैंड में आपको पता है कि टूरिज़्म इस कदर है और यहाँ पर जितनी मईशत है वो टूरिज़्म ने संभाली हुई है, तो ये बजा होगा कहना कि पाकिस्तान में भी ऐसा हो सकता है। क्योंकि पाकिस्तान में आप अगर देखें तो पहाड़, समंदर, दरिया,
बागात और सहरा सब कुछ आपको एक पाकिस्तान के अंदर मिलेगा, लेकिन इसको अभी तक नशर नहीं किया गया, अभी तक इतना ज़्यादा बताया नहीं गया। मुझे लगता है कि जो भी हुकूमत आती थी वो यही कहा करती थी कि हम टूरिज़्म को आगे बढ़ाएंगे, और टूरिज़्म जो है उस पर बड़ा ज़ोर दिया करते थे और बहुत कहते थे कि टूरिज़्म जो है वो बहुत अहमियत रखता है, लेकिन कभी इस पर नाज़रीन लगता नहीं कि गौर किया गया हो इतना टूरिज्म पे। और लेकिन जुल्फी बुखारी ये टूरिज्म के लगता है कि बड़े सही के बंदे हैं, क्योंकि एक तो बड़े डायनामिक किस्म के हैं, जवान हैं, और वो जो नहीं जोश वलवला होता है वो है इनमें एक्चुअली। और बाकी का मैं बताऊंगी कि बाकी सियासतदानों में कौन सा जोश और वलवला है जो कि PTI के हैं। बहुत ही नाज़रीन मज़े मज़े की बातें हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे हम। अभी फिलहाल कॉलर से बात कर लेते हैं। जी हेलो। जी हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। टीवी की आवाज हल्की करके बात कीजिए। जी डॉक्टर साहब, मैं ये कहना चाहती हूँ कि बात पाकिस्तान में होती रहती है और ये गैस के बिल, बिजली के बिल। हेलो। जी जी, गैस के बिल, बिजली के बिल। बिजली के बिल जो है 100 गुना बढ़ गए हैं, लोगों की चीखें निकल रही हैं और महंगाई का तूफान एक खड़ा है। सही। इन्हें तो चाहिए कि इकोनॉमी को कंट्रोल करें उनको, क्योंकि जो मईशत होती है वो एक मुल्क की रीढ़ की हड्डी होती है। बिल्कुल। और फिर टूरिज्म में तो टाइम लगता है, ये तो वक्त की आम तरीन जरूरत यह है कि मईशत को संभाला जाए। जिस तरीके से डॉलर का और पाउंड का रेट और ये सारा कुछ तबाह कर रहा है मईशत को। बिल्कुल। और फिर आप देखें कि जिन लोगों को इन्होंने लगाया हुआ है, उस्मान बुजदार जो लगे हैं, वो मजाक है एक पाकिस्तान के साथ। और टीम जो होती है, पूरी टीम वो बनानी पड़ती है और वो काम करने वाली टीम होती है नए पाकिस्तान के लिए, नए लोगों की जिनकी जड़ें पाकिस्तान में हो, उनकी जरूरत है, तो तब जाके पाकिस्तान नया बनेगा। अगर बुजदार ना होते तो कौन होता? आप किसको चाहती हैं? हेलो, मैंने कहा बुजदार। इन्होंने नारे लगाए थे इतने बड़े बड़े कि हम मदीना की रियासत बनाएंगे, तो ये मजाक किया है इन्होंने हमारे साथ। मैं जी बिल्कुल, आपने सही कहा, थैंक यू सो मच। हम एक और कॉलर से बात कर लेते हैं। जी हेलो। हेलो जी, बात कीजिए। और पाकिस्तान के लिए अगर आपने बात करनी है तो ज़रूर कीजिए, लेकिन अपना टीवी उसकी आवाज़ ज़रा हल्की कर लें, क्योंकि फिर आपको मेरी आवाज़ नहीं आती। जी हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मैं स्वीडन से अब्दुल क्यों बोल रहा हूँ। पहली बात तो ये कि अच्छा हुआ आप वापस आए इतने से बाद, दो दो चार प्रोग्राम आपके हमने देखे जो आप रावलपिंडी में कर रही थी। जी, जी। और खासकर वो रावलपिंडी का राजा बाजार तो ऐसे लग रहा था जैसे हम घर में घूम रहे हैं। तो बात यह है कि इमरान खान साहब 70 साल पाकिस्तान की तबाही के बाद आए हैं। अभी ये लोगों को समझ होनी चाहिए कि 70 साल जो पाकिस्तान को चलाया गया वो टोटल तबाही का पाकिस्तान की तबाही थी। यानी जितने बड़े आपके अदारे हैं, आप रेलवे ले लें, PIA ले लें, आप स्टील मिल ले लें, आप वापडा ले लें, इसके बाद पाकिस्तान के जितने अदारे थे इमरान खान साहब ने तबाह नहीं किए। इमरान खान साहब को 5 साल के लिए वजीर आजम बनाया गया है और 5 साल के बाद ही हम तनकीद कर सकते हैं कि 5 साल में इमरान साहब ने कुछ नहीं किया। अभी 9 महीने हुए जबकि इमरान साहब को खुद समझ नहीं आ रही कि इस मुल्क के साथ हुआ क्या है। अभी आपके सामने की बात है कि जो शरीफ खानदान कर गया, जो जरदारी साहब कर गया, जो बाकी लोग कर गए पाकिस्तान के साथ खेल खेल गए, वो इमरान के अपनी जेब से देगा। अभी खरबों रुपए जो खा गए वो क्या इमरान साहब अपनी जेब से निकालेगा और पाकिस्तान को सीधा करेगा वो जानदारी के साथ। ये मेरी अपनी, मैं कोई PTI का आदमी नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी का आदमी नहीं हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ कि जानदारी के साथ इमरान खान पाकिस्तान को इस गंभीर हालात से निकालने के लिए कोशिश कर रहा है। वैसे मैं आपको कयूम साहब एक बात बताती चलूं कि आपने कहा कि 70 साल में सब ने लूट दिया, डुबो दिया, तबाह कर दिया, ऐसा भी हाल नहीं है, इतना बुरा हाल नहीं, खुदा ना करे पाकिस्तान का। एक्चुअली क्या है कि जो शहबाज शरीफ जब वजीर आला थे, उन्होंने जो लाहौर को या पंजाब को या जिस तरीके से उन्होंने उसको खूबसूरत बनाया, आप यकीन करें कि पेशावर में अभी वो जो खुदाई हुई हुई है तो वो सारे कदीमा का शहर लगता है, और उसकी अभी तक करी नहीं गई है। उसकी अभी तक वो जो भी वो लाइन बिछी थी, पता नहीं कौन सी मेट्रो चलानी थी, क्या चलाना था,
लेकिन वो अभी तक चली नहीं है और बस खुदाई है और खंडर है और बुरा हाल है और बेचारे जो लोग हैं वो परेशान हैं। तो जहाँ तारीफ करनी चाहिए वहाँ करें, आप इतना दिल छोटा ना करें। इमरान खान की आप कहते हैं कि इमरान खान को ये, इमरान खान को 2 महीने हुए, आप यकीन करें मैं आपको गाहे बगाहे बताती चलूंगी कि हुकूमत जो है वो किस दोराहे पे चल रही है और किस तरह चला रहे हैं वो लोग हुकूमत। अभी फिलहाल उनको कोई अकल शऊर नहीं है। सही बात ये है कि हुकूमत चलाने का अकल शऊर नहीं है। ये जो असद उमर साहब हैं इन्होंने मईशत को अभी फिलहाल। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन हम बात कर रहे थे पाकिस्तान में हालात कैसे हैं और हुकूमत कैसे चल रही है और वहाँ की सियासत क्या कर रही है। और आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे जो खबरें आती हैं वो यही आती हैं कि जी उसको डाकू को पकड़ लिया, चोर को पकड़ लिया, उसके छलांगे लगा दी घर के अंदर, सीढ़ियों पे चढ़ गए उतर गए, यही तमाशा हो रहा है नाज़रीन। यही कुछ वहाँ पे भी देख रहे हैं लोग और हंसते हैं और कहते हैं कि ये हुकूमत जो है ये बचकाना हरकतें कर रही है। इस हुकूमत को चाहिए था कि वो पहले अवाम के लिए कुछ करती। अवाम जो है वो महंगाई के बोझ तले, अभी एक खातून आई थी उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि बोझ तले दबी हुई हैं, गैस का बिल बिजली का बिल डबल हो गया। अमीरों के लिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा और वहाँ पे जो साहिब हैसियत हैं उनके लिए फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन नाज़रीन जो लोग मेहनत मजदूरी करते हैं उनके लिए बहुत फ़र्क पड़ा है। और जाहिर है अगर आपका 1,000 बिल आता है 2,000 हो जाए तो गरीब जो है वो 1,000 की जिसे रोटी खाता होगा तो वो क्या करेगा, क्या बिल देता रहेगा। तो हुकूमत जो है वो सिरा पकड़ने के काबिल नहीं रही, अभी काबिल नहीं हुई थी अभी, लेकिन कर लेगी क्योंकि इमरान खान का तो नाज़रीन सही बात है कि इमरान खान तो बिल्कुल सच्चा पक्का इंसान है, उसकी तो कोई बात नहीं ऐसी करने वाली कि बंदा कहे कि नहीं जी ऐसा नहीं है। लेकिन उसके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनकी भी कहानी मैं आपको सुनाऊंगी जब मेरे पास टाइम होगा, क्योंकि उसके इर्द गिर्द के लोग नाज़रीन हमेशा वो कहते हैं ना नौरत्न जो है वो डुबोते हैं, बंदा तो बहुत अच्छा होता है, तो बंदा बहुत अच्छा है लेकिन इर्द गिर्द के लोग। और अभी फिलहाल कॉलर से बात करते हैं। जी हेलो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मुझे आपको कुछ सजेशन देने हैं। जी जी, पहली बात यह है कि जैसे आप अभी प्रोग्राम कर रही हैं टूरिज्म के बारे में और नॉर्दर्न एरिया के टूरिज्म के बारे में, जी जी, तो मेरा ताल्लुक भी वहाँ से है और पाकिस्तान में जाहरी बात है हम सब पाकिस्तान से ताल्लुक रखते जी, हैं जी। तो एक तो ये होना चाहिए कि जो इनके करंटली वहाँ लोग रहते हैं, इनके मिनिस्टर्स हैं, एमपीएस हैं, ये जैसे सिंदूर में मेला होता है और वो वहाँ पर उस चीज को दिखाते हैं कि वहाँ पर लोग जाते हैं अपनी फैमिलीज के साथ जो इनकी करंटली वहाँ एमपीएस वगैरह रह रहे हैं जी, जी। और ये जुल्फी साहब खुद भी वो जाएं वहाँ पर अपनी फैमिलीज के साथ और वहाँ वो दिखाएं कि वो उन एरियाज में जाकर रह रहे हैं। ये प्रेसिडेंट सेट होगा कॉमन मैन के लिए। एक तो वहाँ उनको इनको खुद अपनी आंखों से देखेंगे, इनको अंदाजा हो जाएगा कि वहाँ पर मुश्किलात कितनी हैं, फैसिलिटीज कितनी हैं। सिर्फ ब्रोशर ही छपवाना सब कुछ नहीं होता। जब वो वहाँ खुद जाएंगे तो वो एक कॉमन मैन के लिए एक स्टिमुलेशन होगी कि चूंकि हमारे एमपीएस और सिलेक्टेड मेंबर्स वहां जा सकते हैं अपनी फैमिलीज के साथ हॉलिडे पे, छुट्टियों पे, गर्मियों, बाहर की छुट्टियों पे बच्चों को ले जा सकते हैं, तो हम भी मोटिवेट होंगे कि हम भी वहां जाएं। और वहां पर ऐसे जब इवेंट्स होते हैं जैसे सिंदूर का मेला होता है इसी तरह के इवेंट्स करवाएं वो उन एरियाज में जो ये टूरिज्म को प्रमोट करें और वहाँ पर भी ऐसे ही लोगों को वो करें और इस चीज को मीडिया भी अगर कवरेज देगा तो ये एक पॉजिटिव चीज होगी। जी जी सेकंड जल्दी से बता दें। जी जी अच्छा सॉरी आपने बड़ा लंबा कर दिया। एक और कॉलर से बात कर लेते हैं। जी हेलो। हेलो हेलो जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं डॉक्टर वसीम बात कर रहा हूँ जी। मेरे कमेंट्स पहले तो ये है कि पीटीआई 2013 से लेके टिल लास्ट इलेक्शंस नेगेटिव पॉलिटिक्स काफी की इन्होंने टू कम इनटू पावर, जिसके अंदर हर चीज पे क्रिटिसिज्म था, यानी जो चीज पीएमएलएन ने, पीपल्स पार्टी ने की, हमेशा उसको अपोज किया। चले वेरी गुड, उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू था। अब ये पावर में आ गए हैं, गवर्नमेंट में हैं, वेयर दे शुड कम अप विद सम पॉलिसीज, सम गाइडलाइंस जो अभी तक नजर नहीं आ रही, मींस एफिशिएंसी। पाकिस्तान की जो हालत है जी, वो सबको पता है। जो लोग इस पॉलिटिकल बिजनेस में होते हैं दे नो इट कि इकोनॉमी कैसी है,
सिक्योरिटी सिचुएशन क्या है, फॉरेन पॉलिसी चैलेंजेस, लेकिन अभी तक 9 महीने में कोई कॉन्क्रीट पॉलिसी नहीं दिखाई देती. सेकंड चीज, अभी भी इनकी नेगेटिव पॉलिटिक्स है. रहा सवाल, हम सब इमरान खान को कहते हैं बहुत ईमानदार है, इसकी नीयत साफ है जी. वो बहुत अच्छी टीम बनाना जानता है जो वो खुद क्लेम करते हैं, लेकिन जो टीम उन्होंने सेलेक्ट की है, जो उनकी परफॉर्मेंस है, उसका जिम्मेदार आज इमरान खान नहीं है क्या? बिल्कुल, किस किस्म के लोग ला रहे हैं वो आगे? बिल्कुल बिल्कुल सही तो आपने. आप उनको उनको बरी जुम्मा नहीं कर सकते, बिकॉज ही इज द कैप्टन ऑफ द शिप एट द मोमेंट. अगर शिप सिंक करेगा, डूबेगा, उसका जिम्मेदार कप्तान होगा. बिल्कुल सही कहा आपने. और इसी उस हवाले से मैं ये भी बताती चलूं कि ये जो चौधरी फवाद साहब हैं, इनको तो अल्लाह संभाले, ये संभलने वाले नहीं हैं, इमरान खान से भी नहीं संभलने वाले. जी, इंटरनेशनली पाकिस्तान को भी नुकसान पहुंच रहा है. जी जी, ये असल में ये चीज रियलाइज नहीं कर रहे, नहीं कर रहे हम. मुझे अफसोस होता है अभी तक 2019 में भी नारों पर, वादों पर लोगों की परफॉर्मेंस नहीं देखते. लोगों की परफॉर्मेंस देखें, एफिशिएंसी देखें, उनकी बातें देखें, उनके कॉल ऑफ फेल का तजाद देखें. वो अभी तक हमारे अंदर ये समझ डेवलप ही नहीं हो रही. हालांकि मीडिया है, सोशल मीडिया है, सब कुछ है, लेकिन हम शायद देखने से कासिर हैं अभी तक, अनफॉर्चुनेटली. बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू. एक और कॉलर से बात कर लेते हैं. जी हेलो. जी डॉक्टर साहब, मेरी आपसे बात हो रही थी तो एक्चुअली आप वो डिस्कनेक्ट हो गया, अचानक ही डिस्कनेक्ट हो गया. अच्छा. मैं इसको थोड़ा सा ऐड करूंगा. हाँ. कि आप देखें कि ये आपके मुल्क में जो डैम बने हुए हैं, जो नहरें बनी हुई हैं, ये सब अयूब खान साहब बना के गया था. इसके बाद आज तक किसी भी लीडर ने, आपके जो बड़े बड़े लीडर हैं, लाहौर शहर अगर बन गया तो कोई बड़ी बात नहीं. लाहौर में पंजाब 10 करोड़ आवाम का सूबा है. आप सिर्फ लाहौर में अपने लिए बनाते हो कि हम निकलेंगे तो वीआईपी सड़कें और वीआईपी सब कुछ. नो, पंजाब 10 करोड़ लोगों का सूबा था, जिन्होंने इन्होंने, आप यकीन करें, आज भी बच्चे गांव के अंदर कीचड़ में बैठते हैं स्कूल में. यही मिनिस्टर थे, यही वजीर आजम थे 30 साल से. तो ये दो भाई लूट रहे हैं पाकिस्तान को. अभी बात यह, सच्ची बात है, हम देखे पाकिस्तानी है, आप भी पाकिस्तानी है, तो बात यह है कि जिस किसी ने भी पाकिस्तान पे हुकूमत की, उन्होंने पाकिस्तान के लिए काम किया, अपनी फैमिली के लिए किया. बहुत शुक्रिया. मैं तो कहती हूँ अगर लूट लिया तो इमरान को चाहिए था, वो तो इंटीरियर मिनिस्टर भी है, प्राइम मिनिस्टर भी है, वैसे प्राइम मिनिस्टर है वो, उसको तो कहना पड़ता है हजूर आला आप प्राइम मिनिस्टर हैं. तो एनी हाउ वो प्राइम मिनिस्टर भी हैं, तो उनको चाहिए था कि पैसे लेते, वो जिस तरह हमारे प्रिंस जो सऊदी अरब के, उन्होंने बिठा के सबसे पैसे लिए और उनको कहा कि बस ठीक है अब चलते बनो. इनसे पैसे लेते और इनको कहते चलते बनो, चाहे लंदन जाओ, अमरीका जाओ, जहाँ मर्जी जाओ, पैसे दे दो सारे पाकिस्तान को और बस फिर जो मर्जी करो. तो इसलिए आई थिंक इमरान को जेलों में बिठा के कोई फ़ायदा नहीं होगा. वैसे आपस की बात है, इसी तरह खर्चा होगा. वो डॉक्टर आया, डॉक्टर चला गया, वो नर्स आई, नर्स चली गई. क्या वो नर्स आई थी? हाँ वो नर्स आई थी. क्या वो डॉक्टर आया था? जनाब एक कॉलर से बात कर लेते हैं. जी हेलो. हेलो, सलाम अलैकुम. वालेकुम अस्सलाम. जी बेटा. जी जी फरमाइए. जवाब नहीं दे रहा बेटा अभी तक. जी तुसी गल करो. जी तुसी गल करो, तुसी ऑन एयर है गए हो. सलाम अलैकुम. बात नहीं कर रहे जी. आप बात कीजिए ना, आप मेरे साथ बात करें. हां जी, सलाम अलैकुम बेटा. वालेकुम अस्सलाम, बात करें. अच्छा बेटा, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, अभी तो हमें 6 महीने हुए. मैंने जब इमरान साहब आए थे जी, तो मैंने उनको पास, आप टीवी की आवाज हल्की कर दें, आप वो सुन रहे हैं. तो मैंने उसको वो दिया था वोट. मैंने फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में वोट दे के मैं आया हूँ. अच्छा 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 अच्छा. मैं खुद ठीक ठीक, अब बात कर लें जल्दी से. मैं 63 से यहाँ आया हूँ. अच्छा अच्छा. तो मैंने फर्स्ट टाइम पासपोर्ट पाकिस्तान गया, वीजा वोट देकर फिर वापस आया. ठीक ठीक ठीक. अच्छा, उसके बाद मुझे कोई लालच ये नहीं है कि मैं अपने लिए कुछ खरीदूं. मैंने सिर्फ ये कहता हूँ, अभी तो हम नवाज, इसको इमरान को 6 महीने हुए आए, कम से कम 5 साल रहना चाहिए इसको. अच्छा, वो तो रहेगा ना, 5 साल तो रहेगा, उसमें तो कोई शक नहीं है. थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका. 5 साल तो बंदा रहेगा, वो तो चाहे परफॉर्मेंस दिखाए ना दिखाए, चाहे वो बंदे रखे अच्छे ना रखे, 5 साल तो करेगा. एक और कॉलर से बात करते हैं. जी हेलो. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम. डॉक्टर साहब, मैं डॉक्टर अंजुम बात कर रहा हूँ, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल खैरियत से. डॉक्टर साहब कैसे हैं आप?
बिल्कुल ठीक ठाक। मैंने जब अभी टीवी ऑन किया था, मैंने देखा आपको, तो मैंने कहा मैं कॉल करूं आपको। आपने पहचाना मुझे? मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा पहचाना है। जी जी, मैं गिलगित बल्तिस्तान से बिलोंग करता अच्छा, हूँ। अच्छा, 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 आरिफ अली के साथ आपके प्रोग्राम में भी आया था। रोनू अंजुम। यस यस, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। आप मेरे शो पे प्लीज आइएगा। जरूर जरूर। वो आप गिलगित बल्तिस्तान के बारे में बात करी थी, तो मैंने कहा मैं भी गिलगित बल्तिस्तान से हूँ, तो आपको गिलगित बल्तिस्तान के बारे में अगर आप मैं कुछ अगर आप शेयर करूँ तो। जी जरूर कीजिए। अच्छा, थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। आपको मालूम है गिलगित बल्तिस्तान जो है ना, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा इलाका है। जी जी। इसको नेशन ऑफ ब्लड ऑफ पाकिस्तानी नेशन भी कहा जाता है। जी जी। इसलिए कि जो पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान की जो हैसियत है, वो आप देखें, चाइना पाकिस्तान का दोस्त सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान की वजह से ही है। जी। अगर आप देखें ना, फिर गिलगित बल्तिस्तान में दुनिया के जो ना जो सेकंड हाईएस्ट प्लेट्यू है वो गिलगित बल्तिस्तान में है। जी। और जो दुनिया के जो हाईएस्ट जो 8 माउंटेन्स हैं, उसमें से 6 पाकिस्तान में है। जी, आपको जी, पता है ना। जी बिल्कुल। उसके बाद जो जंक्शन है दुनिया के जो 3 जो माउंटेन्स हैं हाईएस्ट माउंटेन का जंक्शन भी गिलगित बल्तिस्तान में है। ठीक है। इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। मैं उसको आप छोड़ दें, साइड पे भी रखें, तो गिलगित बल्तिस्तान से जो पूरा पाकिस्तान में जो रोशनी है वो गिलगित बल्तिस्तान की वजह से है, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान से जो दरिया सिंध है उसका सोर्स गिलगित बल्तिस्तान में है। अच्छा। और आपके शो में मैंने पहले भी कहा था जी, कि अगर गिलगित बल्तिस्तान में आप इन्वेस्ट करें तो वहां से 62,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है। अच्छा अच्छा। अगर आप इसीलिए उसको गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का पावर हाउस भी कहा जाता है। बिल्कुल। गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का वाटर टैंक भी कहा जाता है, क्योंकि वहां पे आप पूरे दरिया सिंध पे डैम बना के आप पानी वहां जमा कर सकते हैं। जी जी। उसमें कोई 18,000 मिलियन क्यूबिक सेंटीमीटर आप पानी जमा कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको अगले 100 साल या 200 साल तक पानी की किल्लत नहीं होगी। अच्छा अच्छा। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी मुफीद बातें की, लेकिन मेरे पास क्योंकि टाइम नहीं है, आप प्लीज़ मेरे शो पे ज़रूर आइएगा, तशरीफ़ लाइएगा। मुझे लगता है कि अभी फ़िलहाल हम बता नहीं सके इतना डिटेल में, तो आप आइएगा और फिर बल्तिस्तान की, गिलगित की हम बात करेंगे। और नाज़रीन, आज आपने ज़ुल्फ़ी बुखारी साहब को सुना और उन्होंने जो बताया ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं उनके लिए वो काम कर रहे हैं, फिर वो टूरिज़्म उनके हवाले किया गया है और टूरिज़्म के लिए इमरान ख़ान ने उनको ख़ास तौर पे चुना है, क्योंकि वो ज़रा टूरिस्ट टाइप लगते हैं। अगर आप उनसे मुलाकात करें तो लगता है कि कभी वो न्यूयॉर्क बैठे मिलेंगे, कभी फ़्रांस में, पेरिस में, कभी वो मिलेंगे आपको कहीं लंदन में तो रहते ही हैं, तो एनी हाउ टूरिस्ट टाइप लगता है वो बंदा। तो सही बंदा चूज़ किया उन्होंने, क्योंकि नेचुरली यंग है और बहुत काम करने वाले हैं, और हम लोग जो हैं, हमें चाहिए कि अपने मुल्क के लिए हम लोग भी थोड़ा कंट्रीब्यूशन करें, और जिस तरह किसी और मुल्क में आप लोग जाते हो, अपने मुल्क में जाएं बच्चों को लेकर और अपने मुल्क की खूबसूरत जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं वो दिखाएं। बल्कि किसी ने एक तस्वीर मुझे भेजी थी और मैं समझी कि शायद स्विट्ज़रलैंड है, वो छोटा सा ब्रिज सा था, नीचे पानी जा रहा था और पहाड़ और ब्यूटीफुल व्यू था, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये हमारा हुंजा है के आगे जाके एक इलाका है, वहाँ पर ये तस्वीर खींची गई है। तो दैट वाज सो ब्यूटीफुल, इसलिए कि नॉट ओनली हमारा समंदर जो कराची और गवादर और ये सारा जो हमारा लगता है समंदर, हमें अल्लाह ने दिया हुआ है और बहुत खूबसूरत है। आप बचपन में अगर कोई कराची के रहने वाले हैं तो ज़रूर जाते होंगे सैंड स्पिट, मनोड़ा और हॉक्स बे वगैरह, आपने बड़ा इन्जॉय किया होगा। इसी तरह नाज़रीन और भी इलाके हैं हमारे, अगर आप हैदराबाद की तरफ चले जाएं, ऊपर चले जाएं, तो सहरा में भी आप देख सकते हैं, आपके सहरा भी है वहाँ पर और खूबसूरत बागात भी हैं। तो पंजाब जो है वो अपना हुसन लेके बैठा हुआ है, लेकिन हम लोग जो हैं हम इसी उस चक्रों में पड़े हुए हैं कि वो सियासतदान है और भुट्टो भी जिंदा है, ये हैदराबाद और उधर सिंध की बात है लाड़काना। एनी हाउ नाज़रीन, हम लोग इन्हीं चक्रों में पड़े हुए हैं कि नून लीग है तो काफ लीग है तो पी लीग है तो फलां लीग है,
हमें चाहिए कि सारे, बल्कि एक मशवरा है नून लीग वालों से, क्योंकि अब तो नवाज शरीफ साहब रहे नहीं हैं, क्योंकि उनका नाअहल हो गए हैं, वो अब सरबरा नहीं रहे, तो अब शायद शहबाज शरीफ जो हैं वो मेरे ख्याल है कि होंगे या उनका बेटा होगा, क्योंकि सीढ़ियाँ सूढ़ियाँ अच्छी चढ़ जाता है तो इसलिए हो सकता है कि उसकी सीढ़ी वो सांपों की जो होती है ना, कि किसी सीढ़ी पे सांप मिल जाए और फिर वो डस दे दो फिर टुश नीचे, तो एनी हाउ वो जो है वो भी फिलहाल सीढ़ियाँ चढ़ रहा है। तो हम यही कहेंगे कि सब मिलजुल के काम करें और प्यार मोहब्बत से अपने प्यारे से पाकिस्तान को ऊपर लेकर चलें, और हम लेके जा भी सकते हैं। और हम अगले प्रोग्राम में नाज़रीन और बहुत सारी बातें होंगी, क्योंकि अभी तक अभी कोई आपसे ख़ास वन टू वन मेरी बात नहीं हुई, लेकिन अगले प्रोग्राम में मैं करूँगी। अभी मैं यही सिर्फ यही कहूँगी कि आप किसी भी फील्ड में हों, अपनी सोनी धरती माँ पाकिस्तान का नाम रोशन करें। मेरी तरफ़ से अल्लाह हाफिज़।